इंतजार है उस कन्वर्जन का, उस कैपिटलाइज्ड करने का स्थिति को, देखते हैं कितने फिनिशेस निकलते हैं यहाँ से। कुल मिला के साउथ ईस्टर्न का जो कंट्रोल मिला है, यहाँ पे दो टीमें रोटेशन कर रहे हैं जैसा आपने देखा सेवन स्टोर, और साथ ही साथ 2B 4B इनके लिए भी चीजें आसान रहेगी नहीं क्योंकि उनकी एक्चुअल पोजीशन यहाँ पे पता चल चुकी है। एक और टीम का यहाँ पे खात्मा होता हुआ हमें देखने को मिला, आई थिंक बैलेंस में नहीं रहे रोटेशन के दौरान वो फाइट हुई, और हम जानते हैं कि इस तरीके के रोटेशन में जब आप निकलते हो खास करके चौथा स्टेज तो वो नहीं छोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे वो हाइट भी है वो कंफर्ट भी है, तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा ये समय बिताएंगे। लेकिन ऐसे में 2B 4B क्या करेंगे, उनको एक वाइड रोटेशन में मान के चल रहा शायद वो करने वाले, और जी हाँ वो वाइड रोटेशन यहाँ पे कर रहे हैं। चलिए एक बार फिर से हम रीप्ले की तरफ चलते हैं, और अभी के लिए अगर हम गॉडलेक के जोनाथन की पोजीशन की बात करें, ये ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये देखिए ये अमेजिंग फाइट, आहा सामने की तरफ प्लेयर को स्पॉट किया। यही मोमेंट्स होते हैं जहां पे आप अपने आप को एक MVP प्लेयर बना लेते हैं जैसे ही आपको वो पिक्सल मिले, और अब आके सीधा ऑटोबॉट्स को शट डाउन कर दिया इस टीम ने। बट आप देखिए वही थर्ड पार्टी हमें आती हुई देखने को मिल रही है, रोटेशन बहुत ही ज्यादा ऑन पॉइंट, टीम गॉडलाइक को पता चल चुका था कि यहाँ पे जो हालात है वो हमारे कंट्रोल में आ सकता था, और एक ग्रेनेड एलिमिनेट कर दिया गया। कोशिश काफी बेहतर 2B 4B की, लेकिन वो जो रीसेट का टाइम डिमांड कर रहे थे वो शायद गॉडलाइक ने देने से इनकार किया, और एक काफी कमाल का वो ग्रेनेड जेली की तरफ से। रिपर्स के कर्स जॉट के ऊपर काफी अच्छा प्रेशर, प्रोटॉन भी एक अलग फ्लैंकिंग एंगल क्रिएट कर रहा है, लेकिन प्रोटॉन सामने की तरफ गाड़ी के पीछे खिलाड़ी रिवाइवल हो रहा है। प्रोटॉन ग्रेनेड का प्रयोग करेंगे, ये ग्रेनेड अगर पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ डाला जाता है तो एक अच्छा खासा फायदा हो जाएगा। ड्रीम चेजर्स की ड्रीम को फिलहाल के लिए तो शटडाउन कर दिया जाएगा। चलिए जो नॉक्ड खिलाड़ी थे उनका रिवाइवल हो चुका है, और अभी अगर हम बात करें रिपर्स की तो एक आइडियल कमबैक इन्हें हो गया, एक आइडियल रीसेट की जो हम बात करते हैं वो इन्हें मिल गया है, और देखिए प्रोटॉन की तरफ से वो पेंटा भी हिट हो चुका है, 5 फिनिशेस इनके खाते में आ चुके हैं। काफी अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है अभी के लिए रिपर्स की। बट वो मॉली जिस तरीके से टाइमिंग में देखा बहुत ही ज्यादा कंट्रोल में थे वो भी, और हल्का सा कनेक्शन वहां पे खात्मा उनका हमें देखने को मिला। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की हम बात कर रहे थे इनसे मैच स्टार्ट होने से पहले, और वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बट एलिमिनेशन आई थिंक इस 5वें स्टेज में 4 से 5 टीमें लगातार बाहर हुए, और अब 8 टीमों के बीच में यह मुकाबला जहां पे 29 टोटल प्लेयर है। बट एक बार सर्कल हम यहाँ पे जरूर से कुछ समय बाद देखेंगे क्योंकि ये फाइट भी यहाँ पे आगाज होता हुआ ग्रेनेड का आदान प्रदान दोनों ही टीमों के बीच में, लेकिन एक अच्छा डिसीजन लिया गया इस फाइट को ना कंटिन्यू करते हुए निकल जाना एक बेहतर कॉल रहा इनके एंड से। अभी के लिए जब ब्लू जोन पीछे से आ रहा है तो बेटर है सर्कल को प्रायोरिटी दीजिए, आप एक अच्छा खासा एरिया अगर आप सर्कल के अंदर पकड़ लेते हैं तो आप बचा हुआ मुकाबला काफी अच्छे से निकाल सकते हैं। लेकिन अब यहाँ रिपर्स को अंदर आने में थोड़ी सी मेहनत मशक्कत करनी पड़ेगी। सामने की तरफ जीवन का स्क्वाड नजर आया, उनके पास एरिया था हाइट थी उसका फायदा उठाया, लेकिन कर्स गॉड अब भी जीवित है। कर्स गॉड एंड चौको नजर आते हुए आगे की तरफ जाएंगे, शटडाउन तो क्रिएट कर ही रहे हैं जीवन के स्क्वाड के लिए, और अभी के लिए एक और स्क्वाड अर्जित, लेकिन अब थर्ड पार्टी की भी इनके साथ दो और खिलाड़ी जीवित है तो अपने गेम को अंत तक लेके जा सकती है ये टीम। लेकिन सर्कल में आना वो चैलेंजिंग हुआ, जैसे ही वो आगे बढ़े उनके ऊपर वो स्प्रे और साथ ही साथ ये ग्रेनेड क्लोज हो सकता है, पोजिशन पता है, थ्रो यहाँ पे किया गया, स्प्लैश डैमेज बहुत ज्यादा, कुछ और ग्रेनेड यहाँ पे एलिमिनेट हो सकता है, लेकिन इन्होंने अपनी बैटल को यहाँ पे जीता, और उसके बाद वो ग्रेनेड आसान सा और एक आसान सा चिकन डिनर भी निकालने में कामयाब हुए।